जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमारी भर्ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकली भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, साथ में बात करेंगे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी और साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़े जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमें फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर नीचे दी गई यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे सकते हैं। सब्जेक्ट आपका रिक्रूटमेंट टू मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन प्रपोज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स आपका असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। ठीक है, इनके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यूपी ईस्ट रीजन, यहाँ पे 30/9/2021 से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपका विलिंग और एलिजिबल कैंडिडेट है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर पोस्ट आपको कर सकते हैं NSK2 में दे रखा है 30/9 से पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट है जो कि 8/10/2021 से कर सकते हैं जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न के यानी पहाड़ी क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इनका एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें आपकी जो वैकेंसी है देख सकते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर की 3 है, पे लेवल 44,000 से 1,42,000 तक, और टैक्स असिस्टेंट की 13, पे लेवल 4, 25,000 से 81,000, मल्टी टास्क स्टाफ की नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, पे लेवल 1, 18,000 से 56,000 तक का रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है टेम्परेरी बट लाइकली परमानेंट है, यहाँ पे आपका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 साल का रहेगा, एज लिमिट की यहाँ पे बात करें 18 से 30 और मल्टी टास्किंग की 28/27 दे रखी है। यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन देखने मिल जाएगा, 5 साल आपका जनरल आपका, ठीक है, और रहेगा ओबीसी के लिए, जो कि आप 10 साल रहेगा SST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एजुकेशन का आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, इंस्पेक्टर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, डिग्री यहाँ पे रुकनाज भाई यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट, टैक्स असिस्टेंट डिग्री फ्रॉम रुकनाज यूनिवर्सिटी से, हैविंग डाटा एंट्री स्पीड 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ है, 10वीं क्लास पास या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर की 3 और 13 और पर है मल्टी टास्किंग स्टाफ की है। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैन मेड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कंसिडर मेरिटियस आपका विथ रेफरेंस टू फॉलोइंग क्राइटेरिया, स्पोर्ट्स हैविंग करंट आपका रिप्रेजेंट या स्टेट या कंट्री या नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन एनी ऑफ द गेम स्पोर्ट्स मेंशन पैरा 7। ठीक है, पैरा 7 में आपको जो मेंशन किया गया आपके स्टेट हो या कंट्री हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल, आपने गेम में आपने भाग लिया हो, या पे देख सकते हैं आपने यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट में भाग लिया हो, या स्टेट के आपके स्कूल की टीम हो, नेशनल स्पोर्ट्स गेम में आपने भाग लिया हो, ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन द्वारा स्पोर्ट पर्सन हो जो कि अवार्डेड हो नेशनल अवार्ड या फिजिकली एफिशिएंसी आपका अंडर नेशनल फिजिकली एफिशिएंसी ट्राइब के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उनके आपका एविडेंस फॉर सपोर्ट मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन के गेम के यहाँ पे दे सकते हैं, इनके बारे में आपको दे रखा है। अथॉरिटी अवार्ड्स आपका जो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल स्पोर्ट्स के और फिजिकल एफिशिएंट ड्राइव के यहाँ पे आपको दे रखा है। सिलेक्शन कैंडिडेट की यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपके गेम दे रखे हैं कौन कौन से गेम है इनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के बारे में दे सकते हैं, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट फॉलोइंग फॉर्मेट आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे दिए गए एड्रेस पे 30/9/2021 को आपको भेजना है। आल्सो आपको राइट ऑन एनवेलप आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इंस्पेक्टर इनकम टैक्स जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेम ऑफ स्पोर्ट जिस स्पोर्ट्स में आप खेलते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट किया उसके लिए यहाँ पे आपको नाम देना है। द एप्लीकेशन आपको जो कि सेट इनक्लोज आपको जो अटेस्टेड कॉपी आपकी होनी चाहिए, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स गेम की SC ST है या आधार की यहाँ पे आपके होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, नीचे यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको फॉर्म देखने मिल जाएगा, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपका लेटेस्ट फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंस देना है 1, 2, 3 में, जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको फर्स्ट रखेंगे, उसको सेकंड, उसको थर्ड,
इस तरीके जिसको आप फर्स्ट देना है वो अपना देखिए कैपिटल में ब्लैक पेन का यूज करना है, फुल नेम, फादर नेम, जेंडर मेल फीमेल, परमानेंट एड्रेस, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी बताने 31/12/2020 के अनुसार, आप तो SC ST हो, OBC है, जनरल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट वो गेम के बारे में बताना है, यहाँ पे आपको डिटेल देनी है, ठीक है, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद कॉपी, सर्टिफिकेट कॉपी डिटेल आपको देनी है, बेस्ट परफॉर्मेंस आपका इंक्लूजन प्रूफ के साथ, इंटरनेशनल आपको यहाँ पे मेंशन द नेम ऑफ ईयर मंथ व्हेन यू हैव इवेंट वाज हेल्ड, पोजीशन आपकी क्या थी, नेशनल है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी, डिटेल ऑफ आपके लेटेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ विद इंक्लूजन, डॉक्यूमेंट आपके सबमिट करेंगे हाई स्कूल के, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, मार्कशीट के, ठीक है, एज ग्रुप का, स्कूल का, स्कोर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, टेलीफोन या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने मिल जाएगा, प्लेस और डेट यहाँ पे आपको बताना है, फुल नेम, सिग्नेचर आपको अपने कैंडिडेट के करने हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है जो निकली है उसके बारे में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देखिए रिक्रूटमेंट पे जाएंगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकली, स्पोर्ट्स पर्सन में कैटेगरी में निकली भर्ती के बारे में इसकी कंप्लीट जानकारी थी। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहें। वीडियो को देखने धन्यवाद।